अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूँ आप लोगों की सिंधी की टीचर द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान से। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी सबक पंद्रों में लिख लकोटी। लिख लकोटी आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? लिख लकोटी मतलब आंख मचोली। आंख मचोली हम बचपन में गेम खेलते हैं ना, बहुत आंख मचोली। अब पढ़ेंगे हम लिख लकोटी के बारे में। सिंध में केतरियूं रांदियूं खेलियूं वींदियूं आहें, लिख लकोटी भी उन्हनि मां हिकु वणंदड़ रांद आहे। हिन रांद जा केतिरा ई क़िस्म आहिनि, अॼु तव्हांखे असीं उन जो हिकु क़िस्म ॿुधायूं था। लिख लकोटी करे रांदि खेॾण लाइ छोकिरियूं गॾु थींदियूं आहिनि। हिकु छोकिरी अघु ॾियण लाइ चूंडी वेंदी आहे। रांदि लाइ पेड़ मुक़ररु कबो आहे। पेड़ में अघु ॾींदड़ छोकिरी खे विहारियो वेंदो आहे। संदसि अखियुनि ते रओ ॿधलु हूंदो आहे। ॿियूं छोकिरियूं हिकु हिकु मुठ उन जे मथे ते रखंदियूं वेंदियूं आहिनि। जॾहिं सभु छोकिरियूं मुठियूं रखे बस कंदियूं, तॾहिं मथी मुठ वारी पुछंदी, लिक लकोटी पाणी फोटी, फोटा फुकींदसि लौंग लटींदसि, हेठियनि भॼी के मथियें। अॻु ॾींदड़ छोकिरी जी मर्ज़ी आहे त हू हेठियनि लाइ चवे या मथियनि लाइ, पोइ हिकु हिकु ते हिकु हिकु थी छोकिरियूं वञी लिकंदियूं, उन्हनि मां हिकु ॼणी कुक कंदी। हाणे अॻु ॾींदड़ छोकिरी अखियुनि तां रओ खोले उन्हनि खे ॻोल्हण लॻंदी। छोकिरियूं वरी खाॿण खां बचण जी कोशिश कंदियूं। जेका छोकिरी पेड़ में पहुचंदी उहा खाॿण खां बची वेंदी। जंहिं छोकिरी खे अॻु ॾींदड़ छोकिरी जो हथु लॻो उहा खाॿी पवंदी। ईअं रांदि वरी शुरू थींदी। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को उर्दू में बता रही हूँ इसका पूरा ट्रांसलेशन करके, कि सिंध में बहुत से खेल खेले जाते हैं। आँख मचोली भी उनमें से एक, हम से एक कसम बनाए बनाती हैं। आँख मचोली खेलने के लिए लड़कियां जमा होती हैं। एक लड़की बारी देने के लिए मुंतखब की जाती है। खेल के लिए जमीन का एक गोल टुकड़ा मतलब मैदान मुकरर कर लिया जाता है। उसमें बारी देने वाली लड़की बैठ जाती है। उसकी आंख पर दुपट्टा मतलब कपड़ा बांध दिया जाता है। दूसरी लड़कियां एक-एक हाथ मुट्ठी उसके सर पर रखती हैं। जब सब लड़कियां मुट्ठी हाथ रख देती हैं, तब ऊपर वाली हाथ मुट्ठी लड़की पूछती है, छुपन छुपाई पानी का बुलबुला, इलायची फांगूंगी लौंग लटाऊंगी, नीचे वाली टूटी के ऊपर वाली टूटी। एक बारी देने वाली लड़की की मर्जी है कि वो आगे कहे या पीछे। फिर एक-एक लड़की छुपने के लिए जाती है। उनमें से एक लड़की आवाज लगाती है। फिर बारी देने वाली लड़की आंखों पर पट्टी खोलकर उनको ढूंढने लगती है। लड़कियां पकड़े जाने से बचने के लिए कोशिश करती हैं। जिस लड़की को बारी देने वाली लड़की का हाथ लग जाता है, वो पकड़ी जाती है। फिर ये खेल दोबारा शुरू होता है। जब बारी देने वाली लड़की की किस्म
किसी को नहीं पकड़ती तो वो दोबारा देती है। ये खेल लड़कियों में बहुत मकबूल है। इस खेल से लड़कियों में चुस्ती और चालाकी पैदा होती है। प्यारे बच्चे, इसका मतलब जो मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ के तर्जमा सुनाया है कि इसका मतलब कि आंख मचोली का खेल सिंध का एक मशहूर खेल है। इस खेल में जमीन का एक टुकड़ा मुकर्रर किया जाता है। इस जमीन के टुकड़े में दायरे बारी बारी देने वाली लड़की को बिठाया जाता है। उसकी आंख पर दुपट्टा बांध दिया जाता है। दूसरी लड़कियां एक एक हाथ उसके सर पर रखती जाती हैं। तब सर पर हाथ रखने वाली लड़की एक लड़की पूछती है कि आगे पीछे या पीछे। अब बारी देने वाली लड़की की मर्जी है कि वो आगे कहे या पीछे। फिर एक लड़की आवाज देती है, फिर बारी देने वाली लड़की उनको तलाश करती है। जिस लड़की को बारी देने वाली लड़की का हाथ लग जाता है वो पकड़ी जाती है। ये खेल लड़कियों में बहुत मकबूल है। प्यारे बच्चों, मैंने अब आपको पूरा उर्दू में भी समझा दिया है। अब आप लोग सब देख सकते हैं कि इसके जो नेक्स्ट पेज है हमारे पास, अब हम उसका काम करेंगे। देख सकते हैं, जेकड़े अग नींदर छोकरी कहें के बिना खवाए सके तवरी पान अग नींदी। ये रान छोकरिन में डाढ़ी मकबूल आए। उन रान सा छोकरिन चुस्ती एं चालाकी पैदा किए थी। मैंने अब आपको बता दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा चालाकी और चुस्ती पैदा होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप लोग सामने बुक में देख सकते हैं कि हेठन सवालन जा जवाब दो। नीचे दिए गए सवालों के जवाब आपको कॉपी में काम करना होगा। और हेठन लफ्जन जा जिद लिखो। नीचे दिए गए अल्फाजों के जिद लिखेंगे। जैसे कि जिद लिखे हुए अज का मतलब होता है कि आज, तो इसका जिद होगा सुभाणे। सुभाणे का मतलब होता है कल, पर जिद होगा सुभाणे। छोकरी लड़की को बोलते हैं, आपको पता है छोकरो लड़का, बदल खुलियल बांधा हुआ और खुला हुआ, हथ होता है हाथ को बोलते हैं, पैर पाओ को, इसका जिद में बता रही हूँ। शुरू का मतलब होता है शुरू करना, आखिर इसका जिद होगा। प्यारे बच्चों, अब आपने ये काम अल्फाज जिद बुक में करने हैं, इसी तरह सवालों के जवाब आपको कॉपी में करने होंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला काम आप सवालों के जवाब कॉपी में किस तरीके से करेंगे। अब आप सामने देखिएगा कि इस सवालों के जवाब मैंने आपको सामने कॉपी में लिखे हैं। अब आप लोग सामने देख सकते हैं कि लिख लकूटी रान खेड़ लाए केर गढ़ थींदियूं आए, उसके लिए कौन जमा होते हैं। अब आपको सवाल के जवाब दिए गए हैं, आप लोग इस वीडियो के जरिए काम मुकम्मल करिएगा। लिख लकोटी रान खेड़ लाए छोकरियों गद थींदियूं आए, लड़कियां जमा होती हैं। अग नींदर छोकरी जी अखियन ते छा बदल हुंदो आए, आग जो बारी देने वाली लड़की को उसकी आंखों पे क्या बांधा जाता है, दुपट्टा बांधा जाता है। अग नींदर छोकरी जी अखियन ते रव बदल हुंदो आए, रव हम सिंधी में बोलते हैं, दुपट्टा उर्दू में। छोकरियों छा खा बचण जी कोशिश कंदियूं आए, लड़कियां किससे बचने के लिए कोशिश करती हैं। छोकरियों वरी खाबण खा बचण जी कोशिश कंदियूं आए, जो उनको पकड़ने वाली होती है उनसे बचने की कोशिश करती हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो के जरिए, आई होप आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा, इस वीडियो के जरिए आप अपना काम मुकम्मल करिएगा। सवाल जवाब कॉपी में लिखेंगे और अल्फाज जिद आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कॉपी में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना काम मुकम्मल करिएगा, अच्छी सी राइटिंग में काम अपना कॉपी में कंप्लीट करिएगा। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।